नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक का इलाज किया जा रहा था। सर में चोट आने के कारण परिजनों ने मरीज को रीवा से रेफर करा लिया। परिजन मरीज को लेकर नागपुर जा रहे थे, लेकिन कटनी के समीप एम्बुलेंस ट्रेलर ट्रक से जा टकराई, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को लौर के पूर्व सरपंच अरुण मिश्रा का एक्सीडेंट बाइक से घर जाते समय हो गया था। इस घटना में अरुण के सर पर गंभीर चोटें आई थी। बीते कई दिनों से अरुण का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था, तभी परिजनों ने नागपुर में इलाज कराने का फैसला लिया और बीती रात वह उसे लेकर नागपुर के लिए निकले थे। रात में तकरीबन 4 बजे रीवा से जा रही एम्बुलेंस कटनी के समीप एक डिवाइडर को टक्कर मारते हुए सीधे ट्रेलर ट्रक से जा टकराई। इस घटना के बाद अरुण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को एक बार फिर रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसका शव परीक्षण किया जा रहा है। देवेंद्र तिवारी, मैं यहां से जा रहा था गाड़ी में एम्बुलेंस में, वो ड्राइवर था तो हम लोग पीछे बैठे थे। एक बार तो डिवाइडर में मारा ठोकड़, खूब भड़ बड़े तेज से आवाज़ आई। इसके बाद फिर थोड़ी देर 1 किलोमीटर के बाद फिर से एक ट्रेलर आ रहा था, उसमें टायर में टच कर दिया तो पूरा शीशा उसा उसका फूट गया, उसका शीशा वो हुआ, फिर मैंने बस थोड़ी देर में उस पार हो गया। मरीज कहाँ के थे? क्या ये हमारा साला है अरुण मिश्रा, देवतलाव। क्या हुआ था इन्हें? यहाँ पर देवतलाव में एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ 27/4 को ले आके एडमिट किए थे GM हॉस्पिटल में। यहाँ से रेफर करवाए थे नागपुर ले जाने के लिए, तो रास्ते में फिर इस तरह की घटना हो गई। घटना ये घटना लगभग हुई है सर 3:30 के लगभग। हाँ हाँ, थोड़ा सा भैया के सिर में लगा है उनके यहाँ पे, बाकी और तो नहीं आई। हम लोग पीछे बैठे थे तो नहीं आई ज़्यादा।